हर लड़की मायरा खान तो नहीं है, या फिर हर लड़का फवाद खान भी नहीं है। हर बंदे को उसके बॉडी ऑफ वर्क के हिसाब से सवाल करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ईपीके न्यूज़। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इकरा कवल, लेटेस्ट एंटरटेनमेंट बस के साथ। आज हम बात करेंगे 2009 में न्यूज चैनल पर स्टार्ट होने वाले ऐसे ट्रेंड की जो एक चैनल से स्टार्ट हुआ और हर चैनल की अहम जरूरत बन गया। हम बात कर रहे हैं न्यूज चैनल्स पर दिखाए जाने वाले पॉलिटिकल कॉमेडी प्रोग्राम्स की। इस किस्म के शोज में ट्रेंड सेटर हस्बे हाल था। हस्बे हाल के इनोवेटिव आइडिया से इंस्पायर होकर मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स ने भी इस तरह के शोज शुरू कर दिए थे, लेकिन रेटिंग्स के मामले में मजाक रात बाजी ले गया है, जो पिछले 2 सालों से हाईएस्ट रेटेड शो है, जिसके होस्ट है वासे चौधरी। मजाक रात सिर्फ रेटिंग्स के मामले में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन व्यूअरशिप में भी आगे है। ईपीके से बात करते हुए वासे चौधरी ने शो की हाईएस्ट रेटिंग्स की वजूहात और शो में आने वाली मुश्किलात हमसे शेयर की है। मजाक रात अब माशाल्लाह ऑलमोस्ट 3 साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, और बड़ा एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। ये अपने टाइप का कुछ एक यूनिक सा शो है। उसकी 2-3 वजूहत ये हैं कि एक तो ये शो एक गो में शूट होता है, जिस तरह हमारे जो सेलिब्रिटीज़ आप देखते हैं वो जब बैठे होते हैं तो हम उनसे एक गो में इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हम रोकते नहीं हैं, तो इट्स मोर लाइक अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। जो लोग वहाँ पे ऑडियंस भी आती है, हम उस ऑडियंस को नहीं जानते, वो आके देखती है और वो एक गो में देख के जाती है शो को, तो उनके लिए भी एक घंटे का या 1.25 घंटे का एक कंटिन्यूस शो होता है, हम रोकते नहीं हैं बीच में शो को। टीम बहुत ज़बरदस्त है हमारे पास। आपके सामने जो टीम है उसके अंदर, मतलब चाहे वो मोहसिन हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं, कैसर पिया हैं, उदास साहब हैं, पहले मानुल्ला साहब थे, सखावत नास थे, वो बड़े ज़बरदस्त टैलेंट है, और एक सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी हुई है जो कि हमें एक दूसरे की समझ आ जाती है कि हम लोग इस किस्म का रिस्क ले सकते हैं कि हम बगैर रोके शो कर लें। मुश्किलात ये होती हैं कि देखें, हर बंदा एज पर से अब सेलिब्रिटी उस तरह का नहीं होता कि एवरीवन इज़ नॉट मायरा खान। हर लड़की मायरा खान तो नहीं है, या फिर हर लड़का फवाद खान भी नहीं है। हर बंदे को उसके बॉडी ऑफ वर्क के हिसाब से सवाल करना पड़ता है, और फिर हम उनसे सिर्फ जनरली जानना चाहते हैं कि जी क्या एस्पिरेशंस क्या हैं, क्यों आए काम में, क्या करना चाहते हैं, तो इस किस्म के तरीके से आपको करना पड़ता है रिसर्च। उसमें कुछ आपको पर्सनल लेवल पे करनी पड़ती है, जो कि मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट दैट गोज़ फॉर द पॉलिटिशियंस एज़ वेल, कि वो जितने सवाल आप सुनते हैं उसके अंदर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, वो सारे सवाल मेरे अपने होते हैं, तो होमवर्क थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा करना पड़ जाता है हम लोगों को। बहुत शुक्रिया वासे साहब, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह लोगों को हंसाते रहेंगे और हाई रेटिंग्स लेते रहेंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रही है शोबिज़ की जानी मानी पर्सनैलिटी अयूब खावर। आइए उनसे बात करते हैं। जी तो अयूब साहब, आप ये बताइए कि मजाक रात की हाई रेटिंग्स की वजह क्या है? ये प्रोग्राम बहुत फास्ट है। पहली बात, मैं प्रोफेशनली ये कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने वाले को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। हम कोशिश करते हैं, ये हमारी खासियत है कि हमने इसको एक ऐसी पेस पर रखा हुआ है, और अल्लाह ताला उसको कायम रखे कि उस पेस में लोग बह जाते हैं, और वो चारों के चारों जो हमारे पार्ट्स हैं प्रोग्राम के, वो देखने पर मजबूर हो गए। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए कि वासे की एज अ होस्ट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एक्चुअली वासे की जो सबसे बुनियादी और बहुत वाजे एक क्वालिटी है कि वो इंस्टेंट है। ये नहीं कि कोई स्क्रिप्टेड हो या तैयारी, या ये कि ये बात मैंने पूछनी है तो किसी तरह से पूछ लो, नो। मिसाल के तौर पर वो किसी गेस्ट से बात करते हुए ये महसूस करता है कि वो किसी चीज को छुपा रहा है, वो उस वक्त तक सांस नहीं लेता जब तक कि वो अपने दिल की उसके दिल की बात को निकलवा न दे। थैंक यू सो मच अयूब साहब फॉर योर टाइम। अब तक के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।